एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के निर्देश पर शास्त्री चौक पर ऑटो पर लगे हुए बम्पर को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेक किया गया। आपको बता दें कि शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा चालक अधिकतर अपने वाहन के आगे पीछे बम्पर लगाए हैं ताकि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी पर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आगे पीछे बम्पर लगने से नंबर प्लेट ढक जाने के कारण ट्रैफिक पुलिस को सही ढंग से नंबर नहीं दिखाई पड़ता है। टीएसआई रामवृक्ष यादव ने अभियान चलाकर सभी ऑटो को चेक किया और जिस पर बम्पर लगा मिला वहीं तत्काल उन्होंने ऑटो चालक से बम्पर को खुलवाना शुरू कर दिया तथा आगे हिदायत दिया कि अभी बस समझाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर किसी भी ऑटो पर बम्पर दिखाई दिया तो सख्त कार्रवाई होगा और साथ ही 5,000 का चालान किया जाएगा। इस दौरान टीएसआई रामवृक्ष यादव सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। ये सबको बताना आपने सारा जगह आज हम लोग जब खुलवा रहे हैं कल से चलान जो है इसका चलान 5,000 से 5,000 तक का है। ये नहीं रहेगा ना सर? हाँ, किसी भी ऑटो में किसी भी टाइम भाई में से नहीं मिलता। हाँ नहीं, ये चल जाएगा, लेकिन ये जो खतरा है और वाली जो पटिया है, ये पटिया सबको आप लोग निकलवा देना, सबको बता देना आप लोग ये निकाल दो। आज शास्त्री चौराहे पर, गोलघर पर, घंटाघर पर और खजांची पर ऑटो और ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट को ढक रखा है उन सभी ऑटो और ई रिक्शा के बम्पर एंगल के लिए मौके पर ही खुलवाकर उनके लिए हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार से नंबर प्लेट को ढककर ना चले, अन्यथा उनके वाहन के विरुद्ध एनडीएफ के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। थैंक यू।